और अभी ये हमारा पतंग का अनबॉक्सिंग हो गया है फाइनली। अब हम पतंग की कन्नी बांध रहे हैं। और हमारे सारांश, सारांश हाई कर। ये देखिए सारांश हमारा हाई कर रहा है, वो भी बिजी है, रील्स देख रहा है वो। और हमारा भांजा विराट, ये भी बहुत बड़ा शौकीन है पतंग का। और पतंग के सीजन जैसे ही आते हैं वैसे ही स्कूल से कुछ ना कुछ बहाने मार के भाग के आते हैं। और सबसे बड़ा बहाना इनका एक ही रहता है, पेट दर्द हो रहा है। मतलब ये पुराना हो गया तो भी चल रहा है ट्रेंड में। और वैसे आपको एक बात बता दूं, ये आज भी स्कूल में नहीं गए थे, आज इनकी स्कॉलरशिप की पहली क्लास थी, फिर भी नहीं गए लोग। और वीरेन हमें अभी आए नहीं, हमारा वीरेन का इंतजार हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी कैमरे को यहाँ पे सेट करके रख रहा हूँ। ओके, अभी कैमरा सेट हो गया है, अभी वीरेन को फोन करो। वीरेन आपको फोन कर, क्योंकि चल नहीं रही है, फोन कर मांगा। आप देख सकते हैं विराट विराट कितना खटोली करता है। और अभी मैं ये जो कल हमने लाया था पतंग, अभी मैं इसको इसका रिबन कट करने जा रहा हूँ। आप सब तालियां बजाना है सबने। ओके, अच्छी कर। और देखिए तालियां बजाइए, मैंने रिबन कट कर दिया, मैं ही बजा रहा हूँ। रोय तालियां तो बजाए कि नहीं थे। और ये फाइनली हमारी पतंग, कल हमने कंदील लाए थे, देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 कंदील हमने ये लाए जो उड़ते हैं। और 5 कंदील हमने जो पतंग को बांध के उड़ाते हैं, जिसके अंदर कैंडल रखना होता है हमको। देखिए ये हमारा तिरंगा, हमारे इंडिया की काई था, हमारे इंडिया की पता। आई लव माई इंडिया। और ये बेटी बचाओ, ये बेटी बचाओ को पतंग बांधने कौन आएगा रे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अभी बोल तू, अभी हमने दिनेश भैया को फोन लगाया है, जो हमारे बहुत ही खास है। अच्छा जैसे पतंग जब लगाए मैंने अभी निकाला बाहर। ओ कमीने, सुबह सुबह कौन करनी मानेगा? अभी देखिए दिनेश भाई हमको बोल रहे कि सुबह आके करनी बांध देंगे वो। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो बाकी तो आप लोग बहुत अच्छे शिक्षा दिखाने वाला हूँ पतंग कमीने। आज रॉय, अरे तो बाकी को एक दिन मैनेज करने को बोला। ये साइड का देखिए, काफी सारे कलरफुल है, कब आएंगे? रॉय गुब्बारे में पता नहीं कितनी आ रहे। फिर पतंग उड़ाएंगे कन्नी बांधेंगे रेड मैंगो। अरे मैंने दो चक्री लिया, तेरे लिए भी चक्री लिया। येलो पता सबसे बात हो गया, ये ब्लैक है। ब्लैक है ना, मैं तो तुमको बोला था, तू बोली मैं पूछ के देखूंगा। ये पिंक, और ये हो गया, और जो कि मैं आ गया है ब्लू। और देखिए हमारा बाजा आ गया वीरेन। हां वीरेन ओठा मुंह दिखा दे रहा है, इतना बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। हम देखेंगे, ये देखो मैं कन्नेदार वाली हूं, मैं करना पांडा हूं रोज मेरे पतंग का भी। और ये प्रिंस भी आ गया हमारा, और ये बेटा उधर हाई को पतंग को पतंग उड़ाने में माहिर है, ऐसे 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 खींचता है। ओके अभी देखिए, अभी सब आ गए। और यहाँ देखो वो मेरा बहुत मस्ती होने वाली है दोस्तों, बहुत ज्यादा मस्ती होने वाली है।
बहुत ज्यादा एंजॉय होने वाला है। आपको आपको देखना है बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ ज्यादा नहीं। सो गाइस इन दिस वीडियो इज सो फन। यस भाई आइस कप लाइक सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये जो हमारा वीडियो बन रहा है अभी इस पे हम हमारा थंबनेल के लिए एक बहुत अच्छा फोटो में क्लिक करेंगे। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नहीं तो देखना अम्मा की कसम। लाइक शेयर सब्सक्राइब रॉय कमेंट एंड थैंक यू रॉय तो भी मैं बोल रहा हूं अगर लाइक करिए एज 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 है मान जा अपना एज है रॉय हमारा आपको बोलेगा चैनल को लाइक करिए। ओके बेटा बोल लाइक करो मगर लाइक करो लाइक करो सुना रॉय ने बोला लाइक कयो लाइक कयो लाइक कयो लाइक करो आपको। और वो हमारा मामा है मुझे मान जो बजना दर्शाया इसकी हॉबी है लेटना इसकी हॉबी है लेटना ये जब भी परेशान होता है ये लेट जाता है। और ये मेरे मामा ने पूरे 2 लाख रुपए के लाए हैं। पूरा प्रिंस तो क्या मेरे तो रूप भाई एकदम और दोस्तों देख सकते हैं ये काफी सारी पतंग है और ठंड का मौसम है बाहर काफी कड़ाके की ठंड है। ये देखिए कितनी सारी पतंगे हमारे पास और अभी कल हम ये सब पतंग उड़ाने वाले हैं। राजगीरे के लड्डू बनाए ये देखिए राजगीरे के नहीं वो तिल्ली के लड्डू है। और ये रहा हमारा प्रिंस हमारा भतीजा और हमारा भतीजा सारांश जिसकी हॉबी है लेटना और ये रहा वीरेन ये रहा विराट और ये हमारे बड़े भैया। अभी हमारी भाभी आ चुकी है वो दरवाजा ठोक रही है। ए, पतंग पतंग रुक 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 पतंग उठा वहां से। और अभी हमारी मम्मी भी आ गई है। हाँ अभी देखिए हमारी मम्मी कैसे बोल रहे नई चटाई का मतलब इनॉग्रेशन भी हुआ है। तालिया दोस्तों तालिया देखिए दोस्तों नई चटाई नई पतंग नए साल का पहला फेस्टिवल नए चटाई के साथ। ले मेरा मोबाइल। अब दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गया था हमारा और अब हम पतंग को अच्छे से सेट करके एक अच्छा सा एक हमारे थंबनेल के लिए एक अच्छी सी फोटो क्लिक कर रहे थे उसके लिए हम सारी पतंग सजा रहे थे और सजा के फिर हमने बहुत सारा फोटोशूट किया रील्स बनाए जो कि मैंने मेरे यूट्यूब पे डाली हुई है आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा सारांश भी एंजॉय कर रहा था उसको भी बहुत अच्छा लगा था और देख सकते कितने सारे रंगों की पतंग है ये। अब यहाँ हमने पतंगों को सब अलग से रख के मैंने एक अगरबत्ती ली थी अगरबत्ती से फिर उसको हमको मेजरमेंट तो पता है हर साल का तो उस हिसाब से मैं उसको होल कर रहा था ताकि हम कन्नी बांध सके। तो हमने पूरा सीक्वेंस लगाया हुआ था कि इतने पतंग का होल करने के बाद फिर उसको कन्नी बांधना शुरू करेंगे तो मेरे दोनों भांजे वीरेन विराट और मेरे बड़े भैया नितिन भैया वो कन्नी बांध रहे थे और उसके बाद फिर मैंने भी बांधना शुरू किया और हम अच्छे से प्रिपेयर हो गए। और प्रिपेयर करने के बाद हमने मॉर्निंग में हम 5 बजे उठ के हमने पतंग उड़ाना शुरू किया था और हमारा प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हुआ था दोस्तों। हमने ऑलमोस्ट सारी पतंगों को कन्नी बांध लिया था और जो कुछ बची थी वो कागज़ की पतंग थी वो हमने रख दी क्योंकि उसको हम बाद में से करेंगे जब ये पतंग ख़त्म हो जाएगी तब उसको बाद में से कन्नी बांधेंगे। और हमने बहुत सारा इंजॉय किया हमने कंदील भी उड़ाए और कंदील को भी अच्छे से प्रिपेयर करके ऐसे रखा था। ये सारांश की छोटी पतंग थी उसको भी हमने बांध के रखा था कन्नी। ओके दोस्तों तो देखिए वीडियो आपको कैसी लगी है और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों आप एंजॉय कीजिए पूरा वीडियो।